जय भीम साथियों, स्वागत है आपका साड्डा हक के दूसरे एपिसोड में। पहले एपिसोड में हमने अमेरिका की आरक्षण नीतियों की जांच की, उनकी तुलना भारत से की। दूसरे एपिसोड में हम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका की आरक्षण की नीतियाँ, उनकी जांच करेंगे और उनसे सीखेंगे कि भारत में और क्या बढ़िया तरीके से बदलाव ला सकते हैं आरक्षण की नीतियों में। दक्षिण अफ्रीका से सीखना इसलिए ज़रूरी है, वहाँ भी ऐतिहासिक तौर पर नस्ल भेद का लंबा इतिहास रहा है। वहाँ की सामाजिक पृष्ठभूमि भी भारत जैसी ही है, एक बहुजन आबादी जो है वो दरकिनार कर दी गई है। पर पिछले 3 दशक में उनकी स्वतंत्रता के बाद ही कई सारे आरक्षण की वहाँ नीतियाँ आई हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि नौकरियों में या विश्वविद्यालयों में आई हों, बिजनेस तक में, फिल्म्स में, क्रिकेट में भी वहाँ नीतियाँ आई हैं। तो हम शुरुआत क्रिकेट से करेंगे क्योंकि क्रिकेट सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है हमारे देश में। अगर आप आजकल आईपीएल भी देख रहे हैं तो आपने कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिरी ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों के नाम देखे होंगे, उनको खेलते हुए देखा होगा। पर आपको बता दें, ये इसलिए हो पाया है, ब्लैक्स खिलाड़ी ऐसे आ पाए हैं ऊपर, क्योंकि आरक्षण की नीति वहाँ बहुत ही सफल हुई है। एक टाइम था जब दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट टीम में गोरों का वर्चस्व होता था, लगभग सारे या अधिकतर खिलाड़ी गोरे ही होते थे। पर यह बदलाव आया वहाँ की आरक्षण की नीति से, जिसे वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, यानी एक समग्र बदलाव, पूरे ढांचे में बदलाव करना, सिर्फ कोटा की नीति नहीं, ऐसी नीतियाँ लाना कि पूरे तरीके से ऊपर से नीचे तक समाज के पूरे ढांचे में बदलाव हो, या हर क्षेत्र के पूरे ढांचे में बदलाव हो। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की नीति में हम देखें तो ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, रग्बी, नेटबॉल, एथलेटिक्स, बड़े बड़े ओलंपिक स्पोर्ट्स में भी आरक्षण की नीतियाँ है वहाँ। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि खिलाड़ियों तक ही सीमित हो, वहाँ के कोचेज में भी, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, प्रशासक है, उनमें भी विविधता की ज़रूरत मानी जाती है, माना जाता है कि उसमें भी ब्लैक या अन्य रंग के खिलाड़ियों को या अन्य रंग के प्रशासकों को, कोचिस को जगह देनी चाहिए। और इसकी एक सफलता की सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ा रीज़न रहा, कारण रहा है, वह यही है कि वहाँ दबाव डाला गया ऊपर, सरकार ने दबाव डाला प्रशासकों पर कि आप आरक्षण की नीति फॉलो करिए, नहीं तो दफा हो जाइए, यस डिस्क्वालीफाइड हो जाइए, नहीं तो आप आउट हो जाएंगे इस गेम में। और ऐसा किया भी, दक्षिण अफ्रीका का जो क्रिकेट का बोर्ड है उसे 1 साल तक बैन कर दिया गया, क्योंकि उनमें रंग के खिलाड़ी कोचेस कम थे, ये ऐसा हुआ दबदबा। तो 2 पॉइंट मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा क्रिकेट में जो आरक्षण है दक्षिण अफ्रीका में। एक तो बात है, वहाँ की क्रिकेट टीम के लिए अनिवार्य है कि 1 साल के सारे मैचेस मिलाकर जब आकलन किया जाए तो हर मैच में 11 में से औसतन 6 रंग के खिलाड़ी खेलें, जिसमें कम से कम 2 ब्लैक्स हो, 2 काले रंग के हों और टोटल 6 गैर श्वेत रंग के खिलाड़ी हों। इस नीति की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है कगिसो रबाडा, 22 साल की उम्र में ही ये विश्व के नंबर 1 गेंदबाज बने। और हैरानी का एक और उदाहरण है 2016 में जो हुआ, टेम्बा बवुमा टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी मारने वाले पहले ब्लैक बल्लेबाज बने। यह हो पाया नस्ल भेद के खत्म होने के 22 साल बाद एक ऐसे देश में जहां ब्लैक्स की संख्या बहुमत में है। और आप अगर भारत में देखें, यहाँ कोटा तो छोड़ दीजिए, विविधता के नाम पे भी कुछ खास क्रिकेट या स्पोर्ट्स में नहीं है। खासकर क्रिकेट में तो दिल्ली के पंजाबियों का, खत्रियों का या मुंबई के ब्राह्मणों का दबदबा हमेशा से रहा है, आज भी है। कुछ यादव जाति से प्लेयर्स हैं, ओबीसी से प्लेयर्स ज़रूर हैं, पर दलित आदिवासी समुदाय से ना के बराबर है। और हमने देखा है, हम जानते हैं कि क्या विनोद कांबली जो थे, एक दलित खिलाड़ी 1990 के दशक में, उनका केस क्या हुआ, उनका करियर शुरू तो अच्छा हुआ पर ज़्यादा सफलता उन्हें नहीं मिल पाई। तो ये ऐसे केस भारत में देखे गए हैं। भारत में भी ज़रूरी है कि क्रिकेट में ये नीति आए।
अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के सामाजिक इतिहास और आबादी के विभाजन के बारे में। अभूतपूर्व बात यह है कि वह बिल्कुल भारत की तरह है। दक्षिण अफ्रीका में अपार्टहाइड यानी नस्ल भेद लंबे समय तक रहा, 1948 से 1994 तक, जब गोरे रंग के लोग अलग रहते थे काले रंग के लोगों से कानूनन तरीके से, चाहे वो रहने की कॉलोनीज हो, स्कूल्स हो या पब्लिक के लिए सुविधाएं हो, शौचालय तक भी। और इस दौरान 10% से कम के गोरे लोगों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हुई हर क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, जबकि वहां के बहुजन, ब्लैक्स, भारतीय और अन्य रंग की आबादी को दरकिनार कर दिया गया और शोषण झेलना पड़ा, बिल्कुल भारत के जातिवाद की तरह। दक्षिण अफ्रीका में 80% ब्लैक्स हैं, लगभग 9% मिक्स्ड नस्ल के हैं और केवल 8% गोरे लोग हैं। यहाँ भी बहुजन आबादी के लोग ही दरकिनार कर दिए गए हैं। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया और भारतीय संविधान में आरक्षण की नींव रखी, उसी प्रकार मदिबा नेल्सन मंडेला ने भी रंग भेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी, जब वह 1994 में लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने ब्लैक्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की नीतियों का आधार रखा। मदिबा मंडेला ने यह तक कहा है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान को बनाने के लिए उन्हें भारतीय संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक नीतियों से प्रेरणा मिली। मैं तो कहूँगा कि दक्षिण अफ्रीका की ये नीतियाँ, ट्रांसफॉर्मेशन की ये नीतियाँ अद्भुत हैं, बेहतर हैं, भारत से कई ज़्यादा बेहतर हैं। शिक्षा में, नौकरियों में तो है ही, खेल के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं, पर ऐसी नीतियाँ व्यवसाय में भी हैं, फिल्म के क्षेत्र में भी हैं और अब हाल ही में लैंड रिफॉर्म्स में भी आ रही हैं, यानी भूमि पुनर्वितरण में भी आ रही हैं। एक क्रांतिकारी नीति की बात चल रही है दक्षिण अफ्रीका में, जिसके तहत अगर ये होता है तो गोरे किसानों से उनकी ज़मीन ली जाएगी उनको बिना मुआवजा दिए और फिर उस ज़मीन को ब्लैक किसानों में बांटा जाएगा। ये क्रांतिकारी नीति की वहाँ नींव रखी जा रही है, इसकी समीक्षा चल रही है, वहाँ का संसद इसकी समीक्षा कर रहा है, पर इस पर बहस भी छिड़ी हुई है। ब्लैक किसानों का कहना है कि ये उनके हक की ज़मीन थी जो गोरे लोगों ने रंग भेद के दौरान उनसे जबरन छीन ली थी। वही जो गोरे किसान हैं वह कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हिंसा होगी, भूमि की चोरी बढ़ सकती है, ये उनके व्यक्तिगत अधिकार जो है, राइट टू प्रॉपर्टी, उसके खिलाफ जाता है, इससे पूंजीवाद के चलते निवेश भी कम हो सकता है। पर वहाँ के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा का कहना है कि हम इतनी जल्दी नहीं लाएंगे इस नीति को, हम संवाद के जरिए लाना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से लाना चाहते हैं जिससे हिंसा ना हो और कृषि के क्षेत्र में भी कोई नुकसान ना हो। और अभी लॉकडाउन जब हुआ कोविड के चलते, जो पैंडेमिक महामारी आई है उसके चलते आंदोलन और तेज़ हो गया है, क्योंकि आर्थिक मंदी जो आई है उसके चलते ब्लैक किसानों ने कहा है कि हमें ज़मीन दी जाए, हमें ज़मीन दी जाएगी तो हम उसको अब उपजाऊ तरीके से अपना भला तो करेंगे ही करेंगे, पर उससे और नौकरियां भी उत्पन्न होगी। तो इस पर बहस चल रही है, हम आपको कुछ आंकड़े बताते हैं दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड और कुछ उसकी तुलना करेंगे भारत में जो भूमि पुनर्वितरण हुआ पिछले कुछ दशकों में, खासकर दलित समाज के लिए, उसके कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में एक आंकड़ा देखने लायक है कि बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका में सफेद लोगों के पास 72% खेती की भूमि है जबकि उनकी आबादी केवल 8% है। और शोध दिखाता है, अगर हम भारत पे आए हम, कि 60% दलित परिवारों के पास अपनी कोई भूमि नहीं है, 70% दलित किसान दूसरों की भूमि पर मजदूरी करते हैं। 1941 में बाबा साहेब के कहने के बाद कि कृषि भूमि पर दलितों का कब्जा होना चाहिए, कई सारे राज्यों में आंदोलन चले अपने हक की भूमि पर कब्जा करने के लिए, और आज भारत के 13 राज्यों में 31 मामले चल रहे हैं जिसमें 92,000 दलित लड़ रहे हैं अपने भूमि के अधिकार के लिए।
सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि अगर सरकार ने दलित किसानों को भूमि दी भी, पर हकीकत में जमीनी स्तर पर सवर्णों ने भूमि पर अपना कब्जा जमाए रखा, नहीं छोड़ी भूमि। बिहार और महाराष्ट्र इसके बड़े उदाहरण हैं। भारत में भूमि पुनर्वितरण एक फेलियर है, एक झूठ है, सबका साथ सबका विकास की तरह एक बहुत बड़ा जुमला ही बन के रह गया है। पर इससे हम जो सीख सकते हैं, हम जो बात करते हैं, हम सामाजिक जब डिबेट छेड़ते हैं या हम अपने हक की लड़ाई यहाँ जब लड़ते हैं बहुजन, तो एक बात आप इसमें ज़रूर सीख सकते हैं हम सब मिलके कि कैसे अब आरक्षण की नीतियाँ केवल नौकरियों या शिक्षा में नहीं, अब आगे की लड़ाई है संसाधनों में भी आबादी के आपात सबका हिस्सा हो, संसाधनों का फिर से बंटवारा हो, फिर से पुनर्वितरण हो, लैंड रिफॉर्म्स भारत में भी तेज़ी से आए, इसकी डिमांड भी रिजर्वेशन के साथ साथ ये इस डिमांड को भी ज़्यादा उठाना चाहिए। तो भूमि पुनर्वितरण से एक और रिलेटेड है, जैसे हमने बताया फिल्म, वहाँ के फिल्म सेक्टर में भी एक बहुत क्रांतिकारी नीति 2014 में आई, दक्षिण अफ्रीका की ब्लैक फिल्म मेकर्स इंसेंटिव स्कीम, जिसमें सरकार ने 40 से अधिक फिल्म मेकर्स को, फिल्म निर्माताओं को पैसे दिए, फाइनेंस दिया, ताकि वह ऐसी पिक्चरें बना सके जिसमें ब्लैक कम्युनिटी की, ब्लैक्स की कहानियां, उनकी स्ट्रगल्स को दिखाया जा सके। ये बहुत ज़रूरी होता है कि सामाजिक तौर पर जो कहानियां हैं, स्ट्रगल्स हैं, लड़ाई है, उसके बारे में बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के, आदिवासी समाज के लोग अपनी बात खुद रखें और अपनी बात कह सकें इन कहानियों के ज़रिए, इन बड़ी फिल्म्स के ज़रिए, क्योंकि जो पिक्चरें होती हैं वह लाखों करोड़ों लोगों तक जाती हैं। तो इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि हम यहाँ भारत में भी एक ये डिबेट होनी चाहिए कि कैसे पिक्चरों में जाति के जो बात है या जातिवाद से चलती बात है, चाहे वह आरक्षण से चलती बात हो, बहुत ही कम ऐसी पिक्चरें हुई हैं, हिंदी हो या कमर्शियल सिनेमा बॉलीवुड, उसमें तो ना के बराबर है ऑलमोस्ट, बहुत ही इधर उधर कुछ छोटा बहुत किसी पिक्चर में दिखा दिया हो। तो कुछ रीजनल सिनेमा है या अन्य भाषाओं में ज़रूर है जहां जाति की बात हुई है, जैसे हाल ही में सैराट आई थी मराठी में या काला मूवी आई तमिल में, ऐसी पिक्चरें जो ये सुपरहिट भी हुई, करोड़ों लोगों ने देखा इसे, ये ऐसी पिक्चरें ज़रूर आई हैं, ऐसी पिक्चरें और बने हमें कोशिश करनी चाहिए और ऐसी मांग भी रखनी चाहिए सरकार से कि ऐसी स्कीम्स भी आगे और आती रहें भारत में भी। अब आते हैं व्यवसाय पे, ब्लैक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट यानी ब्लैक्स का आर्थिक सशक्तिकरण। 1990 के दशक में ही एक ऐसी इंटरेस्टिंग दिलचस्प स्कीम आई थी कि जो गोरे लोगों का दबदबा था बिजनेसेस में, ऐसे कंपनियों में, उन कंपनियों में ब्लैक्स को शेयर दिए जाए ताकि ब्लैक्स के नए एंटरप्रेन्योर्स, नए बिजनेस पर्संस, व्यापारी पैदा हो, ताकि वो व्यापार भी चलाए और आगे और ब्लैक्स को नौकरियां भी दे। पर ये स्कीम कहीं ना कहीं ठप हो गई, जैसे शुरू में होता है बहुत सारी स्कीम्स में ठप हो गई, माइनिंग, टेलीकॉम कुछ सेक्टर में सफल हुई पर ओवरऑल ठप हो गई। तो ऐसा नहीं है कि ये स्कीम वापस नहीं आई, दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने 2003 में स्कीम को फिर से लाई और ब्रॉड बेस्ड ब्लैक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नाम दिया, इसका केंद्र जो है उसको और बड़ा कर दिया, इसमें स्किल डेवलपमेंट हो, स्मॉल मीडियम माइक्रो व्यवसाय हो, एंटरप्राइजेस हो, उनको फंडिंग दी, उनको मौका दिया और ख़ासकर जो ब्लैक औरतें हैं, ब्लैक वुमेन, उनके लिए भी खासकर स्कीम निकाली गई और तब से ये अब से देखा जाए तो काफ़ी सफल हो रही है। और इसमें दो चीज़ें अब मैं बहुत दिलचस्प बताऊंगा जो भारत जिससे सीख सकता है। तो इस स्कीम के आने के बाद देखा गया कि अगर वहाँ कंपनीज़ विविधता नहीं ला पाती या किसी प्रकार का भेदभाव होता है तो उनको सरकारी टेंडर और लाइसेंसेस पाने में मुश्किल होती है। 2013 में एक संशोधन किया गया कि एक कमीशन बनाई गई, एक समीक्षा और निगरानी के तंत्र बनाए गए जो शिकायत आने पर जांच कर सकती है कि विविधता है कि नहीं, बिजनेसेस विविधता को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं,
और ऐसा जैसे हमने, अगर आपने अमेरिका वाली वीडियो देखी गई, तो माना यह कि विविधता हो बिजनेसेस में भी, कर्मचारियों में भी, तो अच्छा है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ कि दोनों तरफ से, एक तो फाइन किया गया या दंड के मापदंड निकाले गए, और साथ में एक भावना भी बनाई गई कि आप विविधता लाइए जो अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ शोषण नहीं है, वहाँ भी बहुत भ्रष्टाचार है अभी, पर हर 5 या 10 साल में एक नई नीति आती है ताकि आरक्षण को बेहतर तरीके से लागू किया जाए। तो ये भारत को सीखना बहुत ज़रूरी है, समीक्षा और निगरानी के तंत्र, ढंग से लागू करने के तंत्र, स्वतंत्र कमीशन हो, स्वतंत्र एजेंसियाँ हो, और हर 5-10 साल में कहीं ना कहीं संशोधन हो, कहीं ना कहीं नई नीतियाँ निकले ताकि जो खामियाँ हैं उनमें बेहतरी करी जा सके। तो इस वीडियो के अब लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे नौकरियों की और शिक्षा की। नौकरियों की आपको बता दें, 1996 में एम्प्लॉयमेंट इक्विटी एक्ट यानी समान रोजगार अधिनियम के तहत 50 या उससे अधिक वर्कर्स रखने वाले सरकारी और प्राइवेट नियोक्ताओं को ब्लैक्स, औरतों और विकलांग लोगों को समान प्रतिनिधित्व देना पड़ गया है। इसके लिए ज़रूरी है कि कंपनीज योजना तक बनाए, और वो भी श्रमिकों और उनकी यूनियंस के साथ डिस्कस करके। वहाँ का श्रम विभाग निरीक्षण करता है और जुर्माना तक लगा सकता है, ऐसी पावर है उनके पास। वहाँ की कंपनियाँ प्राइवेट कंसल्टेंट्स तक हायर करती हैं जो कि विविधता वाली योजनाएं बनाने में कंपनीज की सहायता करती है। इस एक्ट में भी 2014 के एक संशोधन के बाद विविधता ना लाने पर कंपनियों पर उनके कारोबार के 2-10% तक का जुर्माना लग सकता है। अब आप सोचिए, भारत के कॉरपोरेट सेक्टर में अगर ऐसी नीति आ जाए तो पसीने छूट जाए, क्योंकि आज भी कॉरपोरेट सेक्टर में दबदबा है सवर्णों का, बोर्डरूम्स में विविधता नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 1-2% नीति ऐसी है भारत में कि 2% आप चंदा दीजिए एनजीओस को, वो तक नहीं करती भारत की कंपनियां। तो विविधता, आरक्षण, कोटा लाना प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत मुश्किल लगता है, पर समय आ गया है कि हम विश्व से सीखें। अगर हमें वर्ल्ड पावर बनना है, विश्व के साथ कदम बढ़ाकर चलना है, तो हमें प्राइवेट सेक्टर में, कॉरपोरेट सेक्टर में भी नीतियां लानी पड़ेगी। तो अब शिक्षा की मैं आपको नीति बता दूं। दक्षिण अफ्रीका के 1997 के हायर एजुकेशन एक्ट में कहा गया है कि विश्वविद्यालयों की प्रवेश नीतियों में ऐतिहासिक असमानताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए और भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहाँ एग्जैक्ट कोटा सिस्टम नहीं है, पर एक प्रावधान है कि शिक्षा मंत्री इन प्रवेश की नीतियों को देखते हुए संस्थानों की फंडिंग का निर्धारण कर सकते हैं, ये पावर है। 2017 के एक संशोधन का उद्देश्य है कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी कोटा हर लेवल पर हो, छात्रों में, शिक्षकों में और प्रशासकों में भी, या जैसे क्रिकेट या स्पोर्ट्स में देखा, यहाँ भी अब विविधता हर लेवल पे बात हो रही है विश्वविद्यालयों में, कि चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या स्टूडेंट्स हो, सब हर लेवल पर कोटे की नीति हो, विविधता हो, अपॉर्चुनिटी सबको मिले। और यहाँ भारत में हम देखें तो कहीं ना कहीं टीचर्स के लिए कोटा ख़त्म करने की बात हो रही है, डिपार्टमेंट लेवल पर कोटा कर दिया गया है, पहले यूनिवर्सिटी लेवल पर होता था, उससे अब सीट्स कम होंगी। तो हम दुनिया से उल्टा जा रहे हैं, हम एकदम कोटा या रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, जबकि विश्व भर में इसको बढ़ाने की, इसको और अच्छे से लागू करने की बात हो रही है। एक मेरिट की बात ज़रूर करते हैं, तो एक आखिरी एक पॉइंट शोध का मैं आपको बताना चाहूँगा दक्षिण अफ्रीका का। केप टाउन विश्वविद्यालय, जो कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय है, उसने कहा गया है कि अभी तक उन्हें रंग और नस्ल से ज़्यादा विश्वसनीय मापदंड नहीं मिला है प्रवेश नीतियों में दाखिले के लिए। आंकड़े बताते हैं कि उच्च शिक्षा में ब्लैक्स, अन्य रंग के लोगों का और भारतीयों का कुल नामांकन 2015 में 82% हो गया था, जो कि उनकी आबादी के अनुपात है। तो वहाँ सफलता आई है कहीं ना कहीं, और वहाँ की यूनिवर्सिटीज ने मान लिया है कि मेरिट और आरक्षण कोई अलग नहीं है, एक ही बात है,
मेरिट का कोई उससे लड़ाई नहीं है आरक्षण से। तो हमने आज जानी दक्षिण अफ्रीका की नीतियाँ। मेन बात यही है कि एक तो सिर्फ नौकरी और शिक्षा से आगे बढ़ें, स्पोर्ट्स, फिल्म्स और लैंड रिफॉर्म्स, ऐसे व्यवसाय बिजनेस में भी ये नीतियाँ आए, प्राइवेट सेक्टर में भी आए, और हर 5-10 साल में समीक्षा हो, स्वतंत्र एजेंसियाँ हो जो निगरानी रखे, दंडित करें एम्प्लॉयर्स को या उन लोगों को जो कि आरक्षण नहीं फॉलो कर रहे। इसके बिना भारत के आरक्षण की नीतियाँ कभी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले एपिसोड में साड्डा हक के हम देखेंगे मलेशिया। मलेशिया बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि वहाँ पर उनका पूरा जो प्राइवेट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसमें कैसे आरक्षण है और उसमें कैसे सकारात्मक कदम है वो देखेंगे हम। तो अगला एपिसोड के लिए तो आप बने रहिए, पर इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, ये अवेयरनेस फैलाइए। इस मुद्दे पर बात करना बहुत ज़रूरी है, हमें आरक्षण की इन सारे चीज़ों को भी एक सार्वजनिक बहस का मुद्दा, राष्ट्रीय मुद्दा बनाना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और द शूद्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ आप यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पे है तो हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करने से हमारी रीच बढ़ती है। और अब हमें फेसबुक और यूट्यूब के अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी द शूद्र को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी ज़रूर करिए। जय भीम साथियों।